मैं न्यूज़ देखी थी, मुझे अफसोस हुआ। मैं उसे एज अ करियर अपना चूज़ करना चाहता था क्योंकि मैं काफ़ी लोग से इंस्पायर हुआ था और मैं चाहता था कि अपना करियर बनाऊँ, लेकिन अब बैन हुआ है तो गवर्नमेंट ने कुछ सोच के किया होगा। क्या लगता है कि कितना समय देते थे आप पबजी गेम में? मैं 3 घंटा देता था, 3 घंटा। हाँ, तो क्या लगता था इससे कि आप लोग कितना कुछ अलग फील होता था? इससे आदमी माइंड फ्रेश हो जाता, स्पेशली लॉकडाउन में तो आदमी घर में बैठे रहता था, इससे सबसे अच्छा टाइम पास होता था। बाकी कोई भी चीज़ हो, पबजी से आपका टाइम पास अच्छे से हो जाता था। क्या लग रहा है आपको, अफसोस? हाँ, बहुत अफसोस है। मैं चाहूँगा कि कोई और ऐसा ऐप आए सिमिलर टू पबजी जिसमें वही सारे फीचर्स हों और आदमी खेल सके वैसा गेम। अफसोस होगा थोड़ा, खेलने का टाइम पास हो जाता था खेल के। थोड़ा सा उसके अल्टरनेटिव में कोई और गेम देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि रात में जब आदमी ऑफिस से थक वगैरह के आता था तो थोड़ा अच्छा लगता था, टाइम पास हो जाता था, मन को अच्छा लगता था खेल के। थोड़ा गैदरिंग हो जाती थी ऑनलाइन, दोस्तों से बात हो जाती थी उस पर। सिर्फ खेल का एक वो ज़रिया नहीं था, हम लोग कनेक्टेड भी रहते थे। जो दूर दूर मेरे फ्रेंड्स हैं जैसे आउट ऑफ कंट्री चले गए, तो हम लोग उस पर बैठ के एक साथ खेलते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। सारी बातें हो जाती थी हम लोग की खेलने के अलावा भी। तो थोड़ा सा अफसोस तो होगा कि अगर बैन हुआ हम लोग का गेम तो। कितने घंटे आप खेलते? मुश्किल से एक डेढ़ घंटा खेल लेता, क्योंकि मैं जब कॉलेज में था तब तो 4-5 घंटे खेल लेता, लेकिन अब मेरी जॉब शुरू हो गई तो अब कम टाइम खेलने को मिलता है, तो 1-1.5 घंटा मुश्किल से मैं खेल पाता। क्या लगता है आपको, ये बैन होना सही है या? अब मैं अपने हिसाब से बोलूँगा, मेरे लिए तो सही नहीं, सबका तो अलग अलग पर्सपेक्टिव होता। पेरेंट्स तो बहुत चाहते थे सबके कि बैन ज़रूर हो जाए, क्योंकि कोई घर पर नहीं जाता अपने पेरेंट्स की उनके बच्चे पबजी में खेले, क्योंकि इतना ज़्यादा क्रेज़ इसका बढ़ गया है कि 5 से 6 घंटे तो बच्चे निकाल ही देते हैं इसमें। मैंने देखा जहाँ तक मेरे भाई वगैरह कज़न वगैरह जैसे छोटे ही है, तो ये लोग तो अच्छा खासा टाइम निकाल देते। तो पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से तो बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा अगर बैन हुआ तो। देखिए, नहीं, हम पबजी खेलते नहीं थे, लेकिन हमारे जैसे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं एंड फैमिली मेम्बर्स लाइक कज़न्स, तो वो पबजी खेलते थे। एंड मेरा ओपिनियन है कि ये एक अच्छा स्टेप है कि पबजी बैन हुई है, एंड बिकॉज के इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनके माइंड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है ये गेम, तो मेरे हिसाब से अच्छी बात है। मेरे हिसाब से उन्होंने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि हमारी सेफ्टी, हमारी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये सब चीज़ें बैन होनी चाहिए। और सबसे पहले हमारे लिए, गेम से पहले हमारी कंट्री की सिक्योरिटी आती है, सो इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। आई सपोर्ट माय प्राइम मिनिस्टर। और जिस तरह से ये पबजी को लेके बहुत सारे हादसे भी देखे जा रहे थे, बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व हो जा रहे थे, क्या लगता है आपको? हाँ, क्योंकि इससे काफ़ी क्राइम्स भी बढ़ रहे थे, तो इससे बच्चों के उस पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा, तो थोड़ा सा पढ़ाई में भी ध्यान देंगे। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन, सो इसके पॉजिटिव नतीजे होंगे। मेरे ख्याल से इस वक्त ये सारी ऐप्स बैन करना अच्छा ही किया है, क्योंकि चाइनीज़ मार्केट्स में काफ़ी बोला गया था कि वो डेटा हमारा स्टोर करते हैं एंड हम पे स्पाई करते हैं, दैट कुड बी राइट, वो सब सही हो सकता है। तो मेरे ख्याल से भारत सरकार ने अच्छा किया सारी ऐप्स बंद करके, अपनी ऐप्स निकालें, जस्ट लाइक आरोग्य सेतु ऐप जो अभी नहीं निकाली है, ऐसे और ऐप्स और गेम्स के ऐप निकालें, ताकि यहाँ की पॉपुलेशन भी बिजी रहे। आजकल सब घरों पे हैं, तो दे वुड लाइक समथिंग। पबजी कितना इंपॉर्टेंस था आपको लगता है एक यूथ की लाइफ में, गेम की तरफ? मैंने नहीं खेला गेम इतना, बट मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो दिन के 8-8 घंटे गेम खेलते हैं, और काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा उन पर, क्योंकि अब उनके पास करने को कुछ है नहीं, सब घर पर बैठे थे, छुट्टियाँ इन्जॉय कर रहे थे। और अब तो बस, अब और भी तरीके हैं जो ऑनलाइन जाके लोग डाउनलोड करते हैं अभी भी वो गेम, और लोग कर रहे हैं, लोग अभी भी खेल रहे हैं, लेकिन देखें धीरे धीरे कम हो जाएगा फिर।